हेलो एवरीवन, माय नेम इज महेश एंड वेलकम टू आशवी स्टूडियो। गाइज, मैं आज आप लोग को बताऊंगा क्लॉथ मॉडिफायर का एडवांस यूज कैसे करते हैं, जिससे कि आप रियलिस्टिक ब्लैंकेट या बेड कवर या बेडशीट कैसे बना सकते हो। गाइज, इसके लिए मुझे एक प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स आई थी, इसके लिए एक एडवांस ट्यूटोरियल बनाइए करके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने यहाँ पे लेंथ और विड्थ सेगमेंट यहाँ पे 50-50 रखे और इसका साइज में यहाँ पे दे देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ से। थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से सेल मॉडिफायर यूज करूंगा। आपको सेगमेंट देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका जितने ज़्यादा सेगमेंट होंगे उतना अच्छा आपका रियलिस्टिक लुक आएगा, नहीं तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। जितना आप सेगमेंट बढ़ाएंगे उतना वो टाइम भी ज़्यादा लेगा सिमुलेट करने के लिए। यहाँ से मैं क्लॉथ मॉडिफायर ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से कॉटन सिलेक्ट करके उसको प्रेशर यहाँ से 4 दे रहा हूँ। मैं ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, ये मेरे दो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं सिमुलेट करने वाला हूँ, तो मैं वही सिर्फ यहाँ पे ले रहा हूँ। इनको सिलेक्ट करके यहाँ से कोलेशन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ओके कर देना है। कॉपी में आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे दो बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ कॉर्नर पे। इसको हम ऊपर ले लेते हैं जहाँ पे हमारा प्लेन है। फिर हम इसको अटैच करेंगे प्लेन के साथ। इसको मैं दूसरे कॉर्नर पे भी सेम कॉपी कर ले रहा हूँ। इसको मैं एडिटर पॉली करके अटैच कर दूंगा, यहाँ से मैं अटैच करूंगा दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को। अभी ये एक ही ऑब्जेक्ट हो गए, इसको मैं तो प्राइवेट सेंटर कर दूंगा। अभी एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। टॉप व्यू में जाना है, F3 करके क्लॉथ मॉडिफायर पे जाके यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट करना है। कॉर्नर वाले दो वर्टेक्स आपको दोनों साइड के सिलेक्ट करके इसे यहाँ से मैक ग्रुप पे क्लिक करना है। ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई असाइन नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके नोट पे क्लिक करके हमारे जो बॉक्स वाला ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो बॉक्स ऐड हो गया। इसका मतलब है अभी इस पर ग्रुप के साथ में वो मूव होगा जहाँ पे हम इसको मूव करेंगे। यहाँ से मैं उसका की सेट कर लेता हूँ ऑटो की करके। ऑटो की मैंने ऑन करके यहाँ पे 30 फ्रेम पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ से मैं बॉक्स को यहाँ पे मूव कर लूँगा, जिससे कि जब मैं 30 फ्रेम पे जाऊँगा तो ये कॉर्नर मेरा यहाँ तक मूव हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट भी कर रहा हूँ। ये अभी इसके साथ मूव नहीं हो रहा है, जब हम इसको सिमुलेट करेंगे एनिमेशन क्रिएट करने के बाद तब ये मूव होगा। सॉरी। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव करूँगा, उसके साथ थोड़ा सा रोटेट भी कर दूंगा, जिससे कि वो उस साइड में रोटेट भी हो। मैं यहाँ पे फोल्ड करना है तो उस तरीके से हम इसको मूव करेंगे। सॉरी। ये 100 फ्रेम तक सिमुलेट होगा,
हमें 100 फ्रेम तक इसके की सेट करने हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग इसको आप इसका एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आपका प्लेन वैसे ही वो करेगा, जैसे आप सिमुलेट करेगा वैसे ही वो आपके हिसाब से वो सिमुलेट होगा। ऑटो की मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन इस तरीके से क्रिएट होगा। जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ऐसे फोल्ड होके फिर वापस ऐसा फोल्ड होगा। थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ, उसको सेव कर लेते हैं पहले। मैं यहाँ से इसको मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, कलर भी ऐसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, व्हाइट या फिर ग्रे रखता हूँ। अभी प्लेन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं सिमुलेट के, सिमुलेट लोकल और सिमुलेट। बस एक बार सेव कर लेते हैं। ऐसे 3 ऑप्शन है, आपको ये लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिमुलेट वाले पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे की फ्रेम जो हमने यहाँ पे डाले थे वो अभी रेंडर अपना सिमुलेट हो रहे हैं। यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ पे दिखेगा। आपको चाहिए तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, मगर हमें कैंसिल नहीं करना है, हम इसको पूरा होने देंगे। तब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता है। जितना हम ज़्यादा ये करेंगे सेगमेंट और वो देंगे उतना वो टाइम लेगा। तब तक के लिए गाइज, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन पे भी जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। क्या हमारा ये सिमुलेट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रियलिस्टिक तरीके से इसको ये फोल्ड हो गया है यहाँ पे, बिल्कुल रियलिस्टिक लुक इसका आया है। अभी तक सिमुलेट कंप्लीट हो गया है, 100 फ्रेम तक इसका सिमुलेशन हो गया है यहाँ पे। अभी हम देख लेते इसका एनिमेशन कैसा है। हमने इस तरीके से इसको सेट किया था, उसी हिसाब से वो क्लॉथ उसका फोल्ड हुआ है। आप अपने हिसाब से भी इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं, आप इसे सेट कर सकते हैं, वो उस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करेगा। जैसे हमने इसको पीछे लिया था और उसके बाद वापस से एक फोल्ड होने के लिए उसको आगे लेके और फिर नीचे किया था, तो ये हो गया। अभी इसको मैं हाइड कर देता हूँ, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये ऊपर तक है क्योंकि हमारे बॉक्स हमने नीचे नहीं किए थे, हमने ऊपर तक ही उसको रखे थे, तो ये हवा में लटक रहा है, तो हम इसको कोलैप्स कर लेंगे। वापस से हम इस पर क्लॉथ मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे। फिर से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाना है, इस पर हम कॉटन जैसे लास्ट टाइम किया था, प्रेशर भी इसको दे देता हूँ मैं 4, और यहाँ से वो ऑब्जेक्ट हम ऐड कर देंगे इस पे सिमुलेट करने वाले हैं। सिमुलेट लोकल करेंगे इस टाइम हम। आप देख सकते हैं यहाँ से सिमुलेट होना शुरू हो चुका है। मैं आपको कुछ सेटिंग बता देता हूँ, मैंने सेल्फ कोलेजन पे क्लिक करके इसको सिमुलेट कर रहा हूँ, ताकि ये एक के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से सिमुलेट होगा, जिसमें ब्लैक कलर नहीं आएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है सिमुलेट करने में। अगर आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगा या फिर मुश्किल लगा तो मैं आपको लास्ट में एक इजी स्टेप भी बता दूंगा, जिससे आप एकदम इजी से इसको फोल्ड भी कर सकते हो, और ब्लैंकेट को या बेडशीट को फोल्ड करके भी आप वहाँ पे रख सकते हो।
और मैं आपको एडवांस यहाँ पे ऑप्शन भी बताऊंगा जिससे आप इसको लाइव ड्रैग या रोटेट भी कर सकते हैं। इसको बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ये आगे जाके। इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ से, इसका प्रेशर कम कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा जल्दी सिमुलेट हो जाए। वापस से सिमुलेट लोकल पे क्लिक करता हूँ। इसमें कुछ खास अभी ये सिमुलेट नहीं हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ एडवांस टूल। यहाँ से लास्ट में जाके आपको फेसेस पे क्लिक करना है, सिमुलेट लोकल पे क्लिक करना है और लाइव ड्रैग पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी जगह पे क्लिक करके आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, मैंने लाइव ड्रैग पे क्लिक किया है और मैं इसको ऊपर थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं आप यहाँ से भी इसको शेप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी जगह पे और कुछ ऐड करना है एक्स्ट्रा तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक शेप इसका बन गया, एक थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक इसको आ गया है। मैं आपको अभी दूसरा स्टेप बताता हूँ। आपको यहाँ से लाइन ड्रॉप करनी है, इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे लाइन कमांड से। सॉरी, ये कॉर्नर वाले वर्टेक्स सिलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर लेंगे ऐसे थोड़ा सा। नीचे से फिलेट का ऑप्शन लेके हम थोड़ा सा कॉर्नर इसके फिलेट कर लेंगे ऐसे। टॉपिक में आ जाते हैं, लाइन पे क्लिक करके इसको एक्सट्रूड कर लेंगे हम यहाँ से और इसको सेंटर में ले लेंगे, जहाँ पे हमें चाहिए उस जगह पे हम इसको ले लेंगे। उसके बाद हम इस पे सेल शेल मॉडिफायर यूज करेंगे। इसको एडिटेबल पॉली कर लेते हैं और इसमें कुछ सेगमेंट्स हम ऐड कर लेंगे यहाँ से। कनेक्ट करेंगे, मैं यहाँ से इसको 30 सेगमेंट दे रहा हूँ और ये साइड के भी सेगमेंट में बढ़ा देता हूँ, 15 रख रहा हूँ। और फिर इस पे हम क्लॉथ मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। सेम सेटिंग में इस पे भी यूज़ करूँगा, सेम कोलेशन मैंने ऑन रखा है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाऊँगा, यहाँ से हम कॉटन सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसका प्रेशर बढ़ा देता हूँ यहाँ से 2 और प्लेन पे ही क्लिक करूँगा ताकि हमको प्लेन ही प्लेन पे ही इसको सिमुलेट करना है, तो मैं इसको ही ऐड करूँगा। मैं इस पे मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ से सिमुलेट लोकल करते हैं, आप देख सकते हैं इसका सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। और एक इजी तरीका है इसको बनाने का, अगर आपको पहला वाला थोड़ा सा हार्ड लगा तो आप इसको नॉर्मल प्लेन को आप सिमुलेट करके उसके बाद इस तरीके से इसको फोल्ड करके भी वहाँ पे रख सकते हैं। एक रियलिस्टिक लुक यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे अभी रियल ब्लैंकेट के जैसा इसमें लुक आ रहा है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके इसका क्लोथ यहाँ से चेंज कर देता हूँ। कॉटन की जगह पे मैं रखूंगा सैटिन्स पे, ओके करके हम वापस सिमुलेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें प्रेशर अभी आ रहा है, ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहा है ये। ओके गाइस, ये था हमारा क्लोथ मॉडिफायर।
मैंने जो भी सारी एडवांस चीज़ें थी मैंने आपको बता दिए। आप अभी इसमें प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा। अगर आपको कुछ कमेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। आप ये कीज लगा के भी आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए इसका। आप अपने तरीके से इसमें कीज ऐड कीजिए। मैंने इसमें फोल्ड किया है, आप कुछ अलग तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं कीज लगा के। और ये दूसरा वाला जो तो लाइंस का इजी स्टेप मैंने बताया वो भी आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इसको और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और या फिर नए हो तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।